हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप की एक न्यू फीचर के बारे में। हम सबकी व्हाट्सएप पे एक न्यू फीचर आया है। आप देखे होंगे, हम किसी भी व्यक्ति को ऑडियो या डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक न्यू ऑप्शन अपशो होता है रूम का। तो ये रूम क्या है, कैसे काम करता है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, ये रूम सेम मैसेंजर की तरह ही काम करता है। ये रूम सेम मैसेंजर में जैसे आप ग्रुप बना सकते थे, एक साथ 50 व्यक्ति से बात कर सकते थे, सेम ऐसा ही इसमें भी आप भी 50 व्यक्ति से एक साथ बात कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप में ये फीचर था कि आप एक बार में 8 व्यक्ति से ही वीडियो कॉल पे आप बात कर सकते थे, तो 8 व्यक्ति एक तरह से बहुत कम हुआ। तो अब है कि आप एक बार में 50 व्यक्ति को एक साथ मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं और 50 व्यक्ति से एक साथ आप बात कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर व्हाट्सएप रूम क्रिएट करना है तो आपको फेसबुक अकाउंट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई फ्रेंड आपको अपना रूम का लिंक सेंड करता है तो आप उस रूम में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि फेसबुक होना ज़रूरी नहीं है। आप विदाउट फेसबुक सिर्फ आपका अगर व्हाट्सएप अकाउंट है तो आप ऐड हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि पहले वीडियो कॉल बात करते थे व्हाट्सएप पे तो इंड इनक्रिप्टेड था, मतलब कि वो ज़्यादा सिक्योर था। बट ऐसा अब ये नहीं है। अगर आप किसी भी मीटिंग करते हैं, रूम में मीटिंग करते हैं, अगर एक रूम क्रिएट किया है उसमें अगर बात करते हैं तो आप लोग ऑप्शन देखते होंगे कि ये इंड टू इंड इनक्रिप्टेड नहीं है, मतलब ये उतना सेफ नहीं है जितना कि पहले आप 8 व्यक्ति से बात करते थे। हाँ, अभी भी आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल में इंड टू इंड इनक्रिप्टेड का ऑप्शन है, लेकिन रूम में इंड टू इंड इनक्रिप्शन का ऑप्शन नहीं है। तो ये उतना सेफ नहीं है जितना पहले था। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक व्हाट्सएप रूम, देखते हैं कैसे क्रिएट होता है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो बने रहिए इस वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा। बताते हैं कि कैसे हम एक रूम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक साथ 50 फ्रेंड से बात कर सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और रूम पे जाएंगे और कंटिन्यू टू मैसेंजर करेंगे, उसके बाद ट्राइट करेंगे। उसके बाद मेरा ये जो फेसबुक पे मैसेंजर है वो ऑन हो जाएगी। तो फिर क्रिएट रूम करेंगे, रूम क्रिएटेड हो गया। अब हम ये रूम को किसी को भी सेंड कर सकते हैं, जैसे किसी को भी हम ये सेंड कर सकते हैं। जैसे कि सेंड कर दिए, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया। अब किसी को भी सेंड कर सकते, कोई भी अब ओपन करेगा ये लिंक को। जैसे कि मैंने ओपन किया तो मैसेंजर में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये मेरा रूम आ जाएगा। आज ज्वाइन कर लेंगे तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा फेसबुक यूज़ करता ही हो, मैसेंजर यूज़ करता ही हो। अगर वो बंदा फेसबुक या मैसेंजर कोई भी अकाउंट नहीं यूज़ करता है फिर भी वो ज्वाइन हो सकता है। देखिए, मैसेंजर से ही कनेक्टेड है, मैसेंजर से ही है। मैसेंजर पे आप पहले इस पर भी बना दीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगी। इस पर भी मैसेंजर से ही व्हाट्सएप कनेक्ट, क्योंकि फेसबुक का ही एक पार्ट है तो इसी से कनेक्ट हो गया। क्रिएट अ रूम यहाँ पे कर सकते हैं और डायरेक्ट एक रूम बना सकते हैं, जैसे कि हम अभी किए हैं। अब इसको हम शेयर कर सकते हैं सबके साथ, अपने जितने भी फ्रेंड हैं। तो 50 मैक्सिमम 50 फ्रेंड तक का हम शेयर कर सकते हैं और मिनिमम 5 फ्रेंड हम एक साथ रूम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे ग्रुप क्रिएट करके एक साथ हम 50 फ्रेंड से बात कर सकते हैं, एक साथ एक मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपको अलग से कोई ऐप डाउनलोड करना नहीं होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।